शिवपुरी जिलाधीश श्री अक्षय कुमार सिंह जी के निर्देश पर सभी अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र का दौरा कर रही है। इसी क्रम में आज शिवपुरी डिप्टी कलेक्टर शिवांगी अग्रवाल जी ने कन्या थाना जनपद शिक्षा केंद्र का आकस्मिक दौरा किया तथा अनुपस्थित कर्मचारियों पर तुरंत कार्यवाही करते हुए उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए। बीआरसी कन्या थाना श्री मुकेश यादव के साथ कन्या थाना स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास बामुर कला छात्रावास एवं नदावन स्थित प्राथमिक विद्यालय का भी डिप्टी कलेक्टर मैम के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मिलने वाली अनियमितताओं को लेकर उन्होंने सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी अनियमितताओं में सुधार के लिए आदेश दिए और शासकीय कार्यालयों एवं विद्यालयों को स्वच्छ एवं प्राकृतिक माहौल मिल सके इसके लिए निर्देश दिए। दौरा रहा है, ये किन कारणों को लेकर रहा है और क्या निर्देशित किया है आपने सभी को? हमारे जिले के कलेक्टर महोदय द्वारा सभी अधिकारियों को ये निर्देश प्रदाय किए गए हैं कि हर सप्ताह वो अपने अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण करेंगे, जिसके तहत आज सोमवार को मैंने सबसे पहले जनपद शिक्षा केंद्र खनियाना का निरीक्षण किया है। कुछ निर्देशित किया है सभी को? जैसा कि आप खुद देख पा रहे हैं, आज यहाँ पर रंगाई पुताई का कार्यक्रम चल रहा है, जिस कारण चीज़ें थोड़ा अस्त व्यस्त मिली, परंतु इनकी शुरुआत बहुत अच्छी है। जैसा हमारे कमिश्नर सर के निर्देश हैं कि हमें सबसे स्वच्छ कार्यालय अपने कार्यालय को बनाना है, हमें स्वच्छ कार्यालय अभियान में भाग लेना है, तो इसके तहत इनकी पहल मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। इसमें ये लोग जो है सभी प्रकार का रंगाई पुताई कराने के बाद फिटिंग सही कराएंगे, सारे बोर्ड सही कराएंगे, जानकारी अद्यतन करेंगे। कोई भी आम जनता अगर कार्यालय में आती है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है वहाँ की जानकारी। अगर उसको जानकारी ढंग से नहीं मिल पाती है तो उसे समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मैंने इनको निर्देशित किया है कि जानकारी अच्छी प्रकार से जो है अद्यतन करके ये जो है बोर्ड्स लगाएं। थैंक यू। जैसे अपर कलेक्टर मैम का दौरा था, इसमें उन्होंने आपको क्या निर्देशित किया और क्या कमियां उन्होंने पाई है? उन्होंने मुझे निर्देशित किया कि आप इस जनपद शिक्षा केंद्र को अच्छी स्वच्छता बनाएं एवं अच्छा से अच्छा कार्य करें, एवं इसके बाद जनपद शिक्षा केंद्र के बाद मुझे वो छात्रावास निरीक्षण के लिए ले गई, तो बामहोर ले गई हैं। बामहोर रास्ते में जाते हुए उन्होंने कहा कि एक विद्यालय दिखाइए, तो सबसे पहले मैंने विद्यालय, उन्होंने अचानक ही नदावन एकीकृत माध्यमिक विद्यालय देखा, उसको देख करके और छात्रों की अच्छी उपस्थिति देख करके उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। और कोई ऐसे विषय रहे जिन पर आपके शिक्षा केंद्र की आपकी तारीफ हुई हो मैडम के द्वारा? मैं इसकी रंगाई पुताई करा रहा था, तो उन्होंने इस कार्य को देख करके उन्होंने मुझे प्रसन्नता व्यक्त की और बधाई दी कि आप ये सराहनीय कार्य कर रहे हैं और दोबारा जब मैं भी आऊं तो मुझे और अच्छा कार्य मिले। और वृक्षारोपण के लिए कहा कि अधिक से अधिक इसमें वृक्षारोपण लगाए जाएँ और इसमें फूल अच्छी तरह से लगाए जाएँ, पेड़ पौधे अच्छे लगाए जाएँ।